राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जबलपुर में बुधवार को नगर निगम के वार्ड की आरक्षण प्रक्रिया शुरू की गई। जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पर्ची के माध्यम से वार्ड आरक्षण का काम शुरू किया। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जबलपुर में बुधवार को नगर निगम के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई। मानस भवन में जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पर्ची के माध्यम से वार्ड आरक्षण का काम शुरू किया गया। इस दौरान OBC, SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया। नियम के तहत 50% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया और पर्ची के माध्यम से यह आवंटन की घोषणा की गई। इस दौरान कुछ पूर्व पार्षदों ने आरक्षण प्रक्रिया में रूलिंग का पालन न करने का आरोप लगाया, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। अधिकारी बार बार निर्वाचन की रूलिंग का हवाला दे रहे थे, इस पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इन आपत्तियों के निराकरण का आश्वासन दिया, तब आरक्षण प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हुई। नगर निगम जबलपुर के 79 वार्ड की आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब तक सभी वार्ड के लिए आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई है। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शितापूर्ण तरीके से ST वर्ग, SC वर्ग, OBC वर्ग और सामान्य वर्गों के लिए जो आरक्षण के नियम और प्रावधान नगरपालिका एक्ट में दिए गए हैं उसके तहत किया गया है। साथ साथ में 50% महिला वर्ग के लिए आरक्षण के लिए जो प्रक्रिया है और जिसके लिए नियम है, उस नियमों के तहत उन कैटेगरी वाइज भी आरक्षण वगैरह जो है महिलाओं के लिए वो संपादित किया गया है। कुछ लोगों की आपत्तियां थी, उस आपत्तियों के निराकरण भी किए गए हैं। जो नियम था, उस नियमों के अंतर्गत गतिविधियाँ की गई हैं। नगर पालिका एक्ट के जो नियम हैं, नियमों के बारे में उनको संज्ञान मिला है। नियम में ही है, चक्रानुक्रम वाली पद्धति रखते हैं, तो चक्रानुक्रम पद्धति का उपयोग करते हुए इस बार जो है वो हमारा जो है ये आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है।